इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं कर रहा था प्रैक्टिस, और अब मैं बन चुका हूँ अखंड बॉस। आई मीन प्रो, एंड आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या कीबोर्ड एंड माउस से फ्री फायर को मोबाइल में खेलना पॉसिबल है या फिर नहीं, और कुछ यूट्यूबर्स आपको कैसे बेवकूफ बनाते हैं और आप लोग बन भी जाते हो। तो आज मैं उन सभी यूट्यूबर्स को ओनली वार्निंग देने वाला हूँ कि यार तुम लोग सुधर जाओ और रियल कंटेंट बनाओ, क्योंकि तुम लोग अगर सेटअप वीडियो बनाते हो फुल सेटअप वाला, उसमें तो गेम प्ले करते नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों से गेम प्ले उससे होगा नहीं, ओके। और यहाँ पे तुम लोग पीसी से मोबाइल में कनेक्ट करके जो गेम प्ले करते हो उन सभी को मैं, अगर तुम लोग नहीं सुधरे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा फुल प्रूफ के साथ एक्सपोज करूंगा, ओके। तो यार मैं तो इतना ही बोलूंगा कि सुधर जाओ, रियल कंटेंट बनाओ, सबको एक मौका मिलना चाहिए, तो तुम लोग सुधरो और रियल कंटेंट बनाओ, क्योंकि रियल कंटेंट वाले भी बहुत सारे बट उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है बस तुम लोगों की वजह से। और तुम लोग कैसे बेवकूफ बनाते हो वही मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय केवल क्रिएशन, एंड यहाँ पे मेरे पास है यूएसबी 4 पोर्ट हब एंड साथ में यूएसबी मेल टू फीमेल केबल। तो फर्स्ट हम लोग का यूएसबी 4 पोर्ट हब, तो यहाँ पे इसका बॉडी पूरा फुल्ली मेटल का बिल्ड में दिख जाएगा, एंड यहाँ पे आपको वायरिंग ग्रेडेड मिल जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में है, एंड यहाँ पे इसका जो वायर है वो प्रीमियम क्वालिटी का यूज किया गया है। एंड ये यूएसबी मेल टू फीमेल, यहाँ पे आप लोग इसका यूज चाहो तो यहाँ पे यूएसबी केबल को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हो, लाइक चार्जिंग का केबल बढ़ाने के लिए, या फिर आप लोग चाहो तो यहाँ पे केबल मैनेजमेंट में ये बहुत काम आने वाला है, लाइक आप लोग 4 पोर्ट यूएसबी हब को केबल मैनेजमेंट के जरिए यहाँ पे आप लोग इजिली वायर को बढ़ा सकते हो और यहाँ पे आप लोग इजिली अपना केबल मैनेजमेंट अपने हिसाब से कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे सभी 3.0 हाई स्पीड में मिल जाएगा, एंड यहाँ पे ऑफिशियली आप लोगों को हाई स्पीड मिल रहा है, तो यहाँ पे 4 पोर्ट में आप लोग चाहो कीबोर्ड माउस या फिर पेन ड्राइव कुछ भी चीज यहाँ पे यूज कर सकते हो। अप टू 5 Gbps का यहाँ पे स्पीड मिल जाएगा, एंड हाई स्पीड के साथ आप लोगों को लॉन्ग टाइम के लिए एक 4 पोर्ट यूएसबी हब चाहिए 3.0 स्पीड के साथ, तो आप लोग इसको जरूर बाय करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक एक बार जरूर से कर लेना। एंड अब आ जाते हैं वीडियो टॉपिक पे, एंड यहाँ पे यार जितने भी जो फेक वीडियोस बनाते हैं उन सभी का यहाँ पे इंट्रो ऐसे ही स्टार्ट होता है और बोलते हैं कि यार अब आज मैं बनाने वाला हूँ रॉ वीडियो। तो यहाँ पे भी आप लोग देखो, यहाँ पे मैं भी एक बिना एडिटिंग वाला रॉ वीडियो बनाने वाला हूँ, एंड यहाँ पे देखो मैं जैसे अभी ट्रेनिंग को लगा रहा हूँ, एंड यहाँ से अभी मैं वीडियो को थोड़ा भी कहीं पे भी स्किप नहीं करूँगा, यहाँ पे एकदम कंटिन्यूली वीडियो चलेगा, एंड यहाँ पे आप लोगों को एकदम प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कैसे वो लोग बेवकूफ़ बनाता है, ओके। तो यहाँ पे बस आप लोग देखो, यहाँ पे मेरा ट्रेनिंग लग चुका है। सबसे मेन नोटिस आप लोग ये करो कि जब भी मैं यहाँ पे अभी देखो गन लेने आ गया, ओके, तो यहाँ पे मैं एक गन ले लेता हूँ, एंड जैसे मैंने यहाँ पे गन लिया मैं माउस कर्सर हाइट गया, ये ऑटोमेटिक बीच में आ गया लाइक पीसी, ओके। तो यहाँ पे लाइक पीसी नहीं है, पीसी गेम प्ले ही है, एंड यहाँ पे आप लोग देखो कि हैकर लेवल का गेम प्ले मैं 2GB वाले फोन में कर रहा हूँ, 2GB रैम है इस मेरे सैमसंग वाले फोन में, वो भी टूटा फूटा सा फोन है, और इसे भी एकदम स्मूथली मैं खेल पा रहा हूँ, इतना नेक्स्ट लेवल का। अगर मैं कीबोर्ड एंड माउस से फोन में अगर एक फ्री फायर खेल पाता इतना नेक्स्ट लेवल का, तब सोचो यहाँ पे ये 2GB वाला फोन है। अगर मैं अपने 6GB वाले पोको X3 प्रो एक गेमिंग फोन में अगर खेलूँ कीबोर्ड एंड माउस से, तो फिर सोचो कि ये हैकर लेवल का गेम प्ले मेरा हो जाएगा। तो अभी देख लो, ये रहा मेरा पोको X3 प्रो, आप मैं खेल रहा हूँ कीबोर्ड माउस से, लो भाई ये हैकर लेवल का गेम प्ले। ये मैं नहीं कह रहा कि इसमें आप लोग बिल्कुल भी नहीं खेल पाओगे, इसमें खेलने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत पड़ने वाली है, और ये फेयर गेम प्ले है, और यहाँ पे फेयर गेम प्ले जो भी करता है यार उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस लगता है, और यहाँ पे जब प्रैक्टिस कर लोगे तब यार हैंड गेम प्ले से तो बेटर आपका कीबोर्ड माउस गेम प्ले हो ही जाएगा, ये तो मैं 100% बता सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप लोग देखो कितना नेक्स्ट लेवल गेम प्ले भी जा रहा है, बट यहाँ पे आप लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे अभी आप लोग देखो प्रूफ, ये रहा इसके पीछे का सच्चाई। यहाँ पे मैं अभी पीसी से कनेक्ट करके अपने फोन में फ्री फायर का स्क्रीन मिरर करके यहाँ पे खेल पा रहा हूँ, यानी कि अभी आप लोग सबसे पहले नोटिस करो, सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे यार डाटा केबल को कनेक्ट करके कौन फ्री फायर खेल सकता है यार। यहाँ पे OTG केबल 4 पोर्ट USB हब को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे OTG केबल की जरूरत पड़ने वाली है, बट यहाँ पे OTG केबल तो लगा ही नहीं है, मेरे फोन में OTG नाम का कोई चीज है ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने USB केबल लगाया हुआ है, बस यहाँ पे व्हाइट कलर का होना चाहिए, सेम लाइक लगना चाहिए, सेम लुक लगना चाहिए, बस आप लोगों का यहाँ पे लगेगा कि भाई डायरेक्ट इसने 4 पोर्ट को कनेक्ट किया हुआ है, बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, 4 पोर्ट यहाँ पे USB टाइप में ही मिलता है, तो यहाँ पे आप लोगों को उसको कनेक्ट करने के लिए OTG केबल की जरूरत पड़ने ही वाली है। आप लोगों को कैसे भी करके बिना OTG केबल का यहाँ पे फ्री फायर को प्ले नहीं कर पाओगे। और जितने भी सेटअप वीडियो बनाते हैं कि यार पूरा फुल सेटअप है यहाँ पे वीडियो का, यानी कोई भी न्यू एप्लीकेशन को लॉन्च किया यहाँ पे पूरा फुल सेटअप बनाया, उसके बाद वो गेम प्ले नहीं देखा था, क्योंकि उसके बस का तो है ही नहीं कि वो गेम प्ले कर पाए, क्योंकि इसके लिए फुल प्रैक्टिस लगता है,
एकदम नेक्स्ट लेवल का प्रैक्टिस के बाद ही आपका गेम प्ले हैकर लेवल का होने वाला है। बट वो लोग तो करेगा नहीं क्योंकि सच्चा ही बाहर आ जाएगा, क्योंकि उन लोगों से गेम प्ले होने वाला है नहीं। और यहाँ पे जब गेम प्ले वीडियो अलग से लगा तब उसमें देखना कि OTG केबल नहीं है, और फुल सेटअप वीडियो बनाएगा उसमें देखना कि OTG केबल लगा हुआ है। भाई अब तुम खुद ही सोचो कि यार तुम कैसे बेवकूफ़ बन सकते हो। और यहाँ पे भी आप लोग देखो कि यहाँ पे कुछ प्रूफ भी बताता है कि हाँ मैं अभी मोबाइल में खेल रहा हूँ, मैं PC पे नहीं खेल रहा हूँ। तो इसका कुछ प्रूफ भी वो लोग देता है, खुद से ही देता है। लाइक यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ टच करके दिखाता है कि मैं अभी फ़ोन पे खेल रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं टच से ही कुछ ले रहा हूँ या फिर मेरा ये जो स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसा। यार इसमें भी होता है, यहाँ पे देखो ये जो सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ये सब होता है। यानी कि आपका जो PC है उसको अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो, फुल्ली कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं एक सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे लाखों सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसका जो आइकन है वो भी देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अभी आप लोग देखो मैंने जैसे इसको टच पे यहाँ पे रख दिया तो अब यहाँ पर आप लोग देखो कि मैं यहाँ पे टच से भी इसको यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि आप लोगों को सारे बंदे बोलते हैं। लाइक यहाँ पे भी आप लोग देखो मैं ऐसे टच से ही इजीली यहाँ पे वेपन्स को ले पा रहा हूँ। यानी ऐसा प्रूफ करेंगे कि लाइक वो अभी फ़ोन पे कीबोर्ड एंड माउस लगा के खेल रहा है और आप लोगों को बेवकूफ़ बना के भी चला जाता है और आप लोगों को कुछ पता भी नहीं रहता कि हाँ भाई ये मेरे को बेवकूफ़ भी बना गया। ओके तो यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे हो यार इजीली मैं यहाँ पे सारा काम जैसे फ़ोन में होता है वैसे ही मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे मेरा जो फ़ोन है यार 2GB का फ़ोन है और वो भी एकदम टूटा फूटा है। भाई इसमें फ्री फायर के बारे में तो सोचो ही मत, ये एकदम बहुत ही ज़्यादा गंदा लैग मारने वाला है और गेम प्ले तो इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि फेयर गेम प्ले करने के लिए आप लोगों को नेक्स्ट लेवल की प्रैक्टिस ज़रूरत पड़ने वाली है। ये तो रहा ये सब प्रूफ, बट यहाँ पे आप लोगों को मैं अब पूरा फुल कनेक्शन भी आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि यार कैसे मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे भी आप लोग देखो ये जो सॉफ्टवेयर है इसका ये आइकन है, बट यहाँ पे और सारे सॉफ्टवेयर में आइकन भी नहीं रहता जिससे आप लोगों का स्क्रीन प्रॉपर क्लियर रहेगा। बट मुझे जहां तक रिसर्च कर पाया जहां तक मिल पाया मैं उसी पे वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि यार मेरे को तो चीटिंग करना नहीं है तो मैं यहां पे इतना रिसर्च करके ही क्या करूंगा, मैं इसी से आप लोगों को समझा सकता हूं। ओके एंड अब यहां पर आप लोग देखो कि मैंने इसको सेटअप कैसे किया हुआ है। तो यहां पे अभी आप लोगों को लुक दिख रहा है कि यहां पे मैं PC को कनेक्ट करके हूं, और अब यहां पर देखो कि यहां पे ये डायरेक्ट ये पूरा फुल्ली मेरा PC से कनेक्ट है और यहां पे मैं PC से ही गेम प्ले कर पा रहा हूं। और यहां पे जो आप लोग ये USB केबल देख रहे हो उसी से मैंने अपने PC को मोबाइल से कनेक्ट करके कंट्रोल करके रखा हो, यानी कि यहाँ पे आपका जो PC है वो मोबाइल से फुल्ली कंट्रोल हो जाता है वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू। एंड यहाँ पे आप लोग फॉरवर्ड USB हब देख रहे हो, इसको मैंने डायरेक्ट अपने PC से कनेक्ट किया हुआ है जिसमें कीबोर्ड एंड माउस लगा के मैं गेम प्ले कर पा रहा हूँ। एंड यहाँ पे जो OTG केबल है तो यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट यही है कि अगर आपका OTG केबल ही नहीं लगेगा तो यार फोन में कीबोर्ड माउस कैसे लगा पाओगे, यार यही मेन है। आप लोग फ्रॉड चैनल से बच के रहो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फ्रॉड चैनल के बारे में पता लग गया होगा। और आपको किस किस पर शक है, फ्रॉड वीडियोस बनाता है वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना तो मैं उसको चेकआउट ज़रूर करूँगा। तो बस यार उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलने जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए